अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं स्टफ़ करेले चने की दाल के साथ। तो लेट्स स्टार्ट दी रेसिपी। हमें चाहिए चने की दाल, जो कि हमने 1.5 कप लिया था और बॉईल कर लिया। उसके बाद हमें चाहिए करेले, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और कुछ स्पाइसेस, जैसे ऑयल चाहिए हमें। स्पाइसेस में हमें नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ये चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने जो है ना करेले छीनने हैं। इस तरह से आपने करेलों को छील लेना है। आप चाहे तो छुरी की मदद से भी छील सकते हैं और इस कटर की मदद से भी छील सकते हैं। ठीक है जी, करेलों के बहुत सारे फ़ायदे हैं। करेले जो खाने से जो है ना आपका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहता है। उसके अलावा आपको गर्मी दाने नहीं होते। अगर आप इसका जूस पी लेते हैं, ज़िंदगी में एक दफ़ा पी लें, बहुत कड़वा होता है, लेकिन उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपको शुगर का मसला नहीं होता, आपको जो वो गर्मी दाने निकलते हैं वो नहीं निकलते। ठीक है जी, उसके बाद हमने इनको इस तरह से इनके बीज निकाल देने, कट लगा के दरमियान से हमने बीज को अलहदा कर देना है। सम टाइम करेलों के बीज जो है वो खाने के काबिल होते हैं, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर स्टफिंग ऐड करनी है तो इसलिए इसको हमने खाली कर देना है। ठीक है, ये देखें जी, इस तरह से हमने अपने जितने भी करेले थे, आधा किलो किलो जितने भी आपने लेने हैं अकॉर्डिंग टू योर फैमिली मेम्बर्स, आपने इस तरह से इसको कर लेना है। ठीक है जी, मैंने इसको नमक लगा के रख दिया था और उसके बाद हमने इसको निचोड़ लिया था ताकि इसका जो कड़वाहट है वो निकल जाए। अब स्टफिंग तैयार करते हैं। तो हमने कुंडी में 3 अदद हरी मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा इसमें हमने चाट मसाला ऐड किया है, और उसके बाद हमने इसमें थोड़ी सी जो है वो हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद इसमें हमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लेना, और उसके बाद हमने क्या करना है जनाब, हमने इसको लेना है पीस। ठीक है जी, ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसको पीस लेना है। उसके बाद इसमें आपने डाल देना है प्याज। प्याज तकरीबन आपने 1 लेनी है दरमियाने साइज़ की। और उसके बाद हमने जो चने की दाल बॉईल की थी, मैंने 1 कप लिया था चने की दाल को और इसे मैंने बॉईल कर लिया था। ठीक है जी, कच्ची दाल नहीं डालनी है आपने, बॉईल कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। चने की दाल डालने के बाद हमने चने की दाल को थोड़ा सा पीस लेना है ताकि हमारी जो स्टफिंग है ना वो तैयार हो जाए। तो इस तरह से हमने चने की दाल को पीस लिया था और इसको हमने अपने जो है वो करेलों के अंदर फिल कर लिया था। ठीक है, अब करेलों को फिल करने के बाद हमने क्या करना है कि इसके ऊपर लपेट देना है धागा, और आपने वाइट धागा ही लपेटना है, कोई और कलर का धागा नहीं लपेटना। ठीक है जी, उसके बाद हमने इसमें डालना है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, क्योंकि अब हमने करेलों को करना है फ्राई। तो कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि भाई दाल को क्यों नहीं फ्राई किया, तो जब हम करेले फ्राई कर रहे होंगे तो तब दाल भी इसमें ऑटोमेटिकली फ्राई हो जाएगी। ठीक है जी, जब तक हमारे करेले फ्राई होते हैं, प्लीज़ हर वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर दें, चैनल पे न्यू होते सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। ठीक है जी, ये देखें, आपने बिल्कुल हल्की आंच पे अपने करेलों को जो है ना वो फ्राई करना है, काले स्याह नहीं करने, शैलो फ्राई कर देना है, बस हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए और दैट्स इट, आपके करेले जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, करेलों में आप डिफरेंट स्टफिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें कीमा भी भर सकते हैं, आप इसमें मसाला भी भर सकते हैं, मसाले वाले करेले भी बनते हैं, और जिसमें आपने टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज इनको पीस के इनकी स्टफिंग कर सकते हैं। ठीक है, करेलों को आप काट के बना सकते हैं, आप इनको भर के बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं करेले बनाने के भी। तो इसके बाद हमने इनका मसाला तैयार करना है। इसमें मैंने टमाटर और प्याज और वही जिस जिनमें करेले हमने फ्राई किए थे उसी कुकिंग ऑयल में डालना है, और जो बाकी स्पाइस हमारे रह गए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, लहसुन, गरम मसाला, ये सब चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देनी है। और ये देखें जी, हल्दी भी हमारी जा रही है। ठीक है जी, तमाम स्पाइसेस जो हैं वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं। ऐड करने के बाद हमने इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि हमारी जो ग्रेवी है ना वो अच्छे तरीके से बन जाए। ये देखिए, ये हमारे करेलों की फाइनल लुक थी। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने करेले जो है ना इस मसाले के अंदर डाल देने हैं। ये मसाला हमारा नरम हो गया, सॉफ्ट बन गया है, अच्छा खासा ज़बरदस्त सा मसाला हमारा जो है वो रेडी है। इसके बाद सॉरी, हमने इसमें चने की दाल ऐड करनी थी, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा खैर, हमने इसमें चने की दाल ऐड करनी है ताकि हमारी चने की दाल और जो जितने भी स्पाइसेस हैं वो मिक्स हो जाएं। ये देखें, वैसे ये ऐसे भी बहुत मज़े लगती है चने की दाल ना, मतलब भुनी भुनी सी। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं करेले। ये देखिए जी,
बिल्कुल ऐसे ही आपने अपने करेलों को सजा देना है कढ़ाई के अंदर। यार ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप लोग जो है ना वो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, ये बहुत लजीज बनते हैं, मतलब आप करेले कीमे को भी भूल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसके ऊपर हरे धनिया की गार्निशिंग कर लीजिए। आपके पास फ्रेश धनिया है तो वेल एंड गुड, अगर फ्रीज़र में भी है तो डजन मैटर, क्योंकि इसने बीच में मिक्स हो ही जाना होता है, तो इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भई हमारे पास हरा धनिया नहीं है। तो ये थी हमारी दाल करेले की फाइनल लुक। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह हम भी आपको दुआ में याद रखेंगे। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।